अस्सलाम वालेकुम भाई। मान लो कि आप लोग भी मेरी तरह अंग्रेजी में बहुत ज्यादा वीक हो और चाहते हो कि क्लाइंट से अंग्रेजी में ना कि आप लोग बात करना चाहो बल्कि क्लाइंट को इम्प्रेस भी कर सको कि यार वाकई कोई मुझसे अंग्रेज ही बात कर रहा है। अब इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो मैं आज आप लोगों को दो सीक्रेट मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि शुरू में जब मैं क्लाइंट से बात करता था, मैं अपने टेक्स्ट को गूगल ट्रांसलेटर में पेश करता था और वो कुछ ऐसी इंग्लिश होती थी जो गूगल ट्रांसलेटर कुछ अल्फाजों को उर्दू से इंग्लिश में ही बता देता था। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हो, किसी चीज का सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ ना कि ये वीडियो आप लोगों को इंग्लिश में बात करना सिखाएगी बल्कि आपको अंग्रेज बना के छोड़ेगी, जिससे आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल या फिर क्लाइंट से डायरेक्ट मीटिंग भी कर सकते हो। बस ये एक वेबसाइट है बार्ड AI, मैंने इसका काफी ज्यादा वीडियोस में जिक्र किया है। ये पहला मेथड है, आपने जैसे क्लाइंट का कोई भी मैसेज है आपने उसको कॉपी करना है। मैंने क्लाइंट के मैसेज को कॉपी किया और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और कहता हूँ रिप्लाई दिस क्लाइंट। जैसे आपने छोटा सा टेक्स्ट लिखा और बार्ड AI आपको इसका आंसर लिख के दे देगा। आई कैन क्रिएट इमेज येट सो आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू विद दैट। ये भी एक आंसर है, लेकिन आप चाहते हो रिफ्रेश करना तो आप यहाँ से रिफ्रेश पर क्लिक करोगे और ये आपको आपके मतलब के आंसर भी जनरेट करके दे देगा। अगर ये आपके मतलब का आंसर नहीं देना तो आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अब ये एक टूटी फूटी इंग्लिश है, मैंने इसको अपनी थॉट्स बता दी तो ये देखो मुझे आंसर लिख के दे दिया। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन और ये फलाना, और ये आपको पूरा टेक्स्ट लिख के दे दिया। आप ये क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। लेकिन जो थर्ड वाला है वो मेरे साइड स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, आप लोगों ने प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर सर्च करना है इजी उर्दू। इजी उर्दू कीबोर्ड को डाउनलोड करके आपने जस्ट इसको इनेबल कर लेना। अब आपने जस्ट क्लाइंट के चैट में जाना है और क्लाइंट की चैट में नहीं, आप किसी से भी इंग्लिश में बात करना चाहते हो आप अपने इस कीबोर्ड को इनेबल कर लोगे। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं आप लोगों ने करनी होगी। सेटिंग करने के बाद आप लोगों ने चैट में जाना है। चैट में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कोने पर एक ऑप्शन दिख रहा है माइक का, आपने जस्ट माइक पे बटन पर क्लिक करना है और अपनी उर्दू में बोलना है। जैसे कि मैं इसको कुछ भी कहता हूँ तो ये टेक्स्ट मेरा इंग्लिश में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। है ना अमेजिंग तरीका? यार अमेजिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।